थ्री है, वीडियो का लेक्चर पार्ट टू है। सम फूड इज सफिशेंट फॉर 30 मैन फॉर 60 डेज। खाना 30 बंदों के लिए कितने दिन चलेगा? 16 दिन। कितने दिन लगेंगे? सेम खाना है 40 बंदों के लिए। डेटा बनाते हैं, 30 बंदों के लिए खाना 16 दिन चल रहा है, तो 40 बंदों के लिए खाना कितने दिन चलेगा? वो दिन एक्स है, तो बंदे ज़्यादा हो रहे हैं तो दिन कम हो जाएंगे। किस वजह से? कि ज़्यादा बंदे ज़्यादा खाना खाएंगे और खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जब जल्दी ख़त्म होगा तो दिन कम लगेंगे, तो जो कम है उससे एरो स्टार्ट करेंगे और जो ज़्यादा है उस पर एरो फिनिश करेंगे। अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 30:16, x:16। 40 को x के साथ और 30 को 16 के साथ मीन और एक्सट्रीम करेंगे। 30 मी प्रोडक्ट ऑफ मीन इंटू 16 और 4 मल्टीप्लाई बाई x प्रोडक्ट ऑफ मीन और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 40 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आ रहा है? 12 डेज, यानी कि 12 दिनों में खाना ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा जा रहा है, 16 आदमी कंप्लीट कर रहे हैं एक काम 10 दिनों में, कितने आदमी रिक्वायर होंगे अगर वही काम 8 दिनों में ख़त्म हो रहा है? काम 8 दिनों में ख़त्म हो रहा है, यानी कि ज़्यादा आदमी आ गए होंगे उस जगह पर काम करने के लिए, तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। तो 16 ज़्यादा होगा या नीचे x ज़्यादा होगा? उससे मिल ग्रह जो हमारे पास जो है x ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा आदमी आएंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा। तो 16:x प्रोपोर्शन की साइन, देन 8:10 मीन और एक्सट्रीम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों मीन को मल्टीप्लाई करेंगे। या मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर जाकर डिवाइड होगा। इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20। ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसका जो सॉल्यूशन है सिंप्लीफिकेशन जो आप कैंसिल करेंगे वो आप खुद से कॉपी में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।